असलकम डियर स्टूडेंट्स वेलकम एज़ यू नो प्रजेंटली वी आर डिस्कसिंग नॉन ट्रेडिशनल कंसर्नज ऑफ सिक्योरिटी अंडर द टॉपिक ऑफ़ सिक्योरिटी इन कंटेम्प्री वर्ल्ड आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जिन नॉन ट्रेडिशनल कंसर्नस के ऊपर बात की थी उनमें ग्लोबल पोवर्टी और ग्लोबल टेररिज्म इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर हमने बात की थी और कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी तो आज इनशा ये जो क्लिप होगी ये कंक्लूडिंग क्लिप होगी इस टॉपिक के हवाले से आज हम देखेंगे कि नॉन ट्रेडिशनल डोमेन में और क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं दुनिया के सामने पूरी आलमी इंसानियत के सामने क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब यही है कि ये स्टेट बाउंड नहीं होती है स्टेट सेंट्रिक नहीं होती है बल्कि उसमें इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है पूरी इंसानियत इन्वॉल्व है इंसानियत का सर्वाइवल इन्वॉल्व है तो आज हम देखेंगे कि टेररिज्म और पावर्टी के अलावा कौन कौन से और थ्रेट्स हैं जो इस वक्त चैलेंज बने हुए हैं सिक्योरिटी चैलेंज बने हुए हैं दुनिया के लिए माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ये दो चीज़ें भी सिक्योरिटी थ्रेट माने जाते हैं क्योंकि ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब यह है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह एक रियासत से दूसरी रियासत एक मुल्क से दूसरे मुल्क माइग्रेट होना मुंतकिल होना ये वॉल्ट्री भी हो सकता है और ये किसी मजबूरी के तहत भी हो सकता है इसमें गरीबी भी एक मजबूरी है लोग एक जगह छोड़कर अपनी ओरिजिनल जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि वहाँ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं होती हैं उनके लिए तो और इसका इसकी एक वजह हो सकती है कोई जंगी सूरत हाल कोई पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन या कोई नेचुरल डिज़ास्टर तो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं टम्पोरेली वहाँ सेटल होते हैं या मुस्तकिल तौर पर वहाँ रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम तब बनती है जब लोगों की कोई बड़ी तदाद हज़ारों लाखों की तदाद एक साथ वंस एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाए उससे कई सारी आ, सोशल कल्चरल और सबसे बढ़कर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है और दूसरी बात ये भी कि से ये बात भी सामने खुल कर आ जाती है कि जहाँ हमारी इस दुनिया में कई सारी कई किस्म की इक्वालिटीज़ मौजूद हैं वहाँ ये भी एक इनिटी है कि दुनिया की कुछ जगहें सेफ़ हैं और कुछ जगहें बहुत ज़्यादा अनसेफ हैं यानी कि तभी तो लोग अनसेफ जगहों को चाहे वो इकोनॉमिकली अनसेफ हों या पॉलिटिकली अनसेफ हों उन्हें छोड़कर किसी सेफ़ जगह पर पनाह लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पोवर्टी इन द साउथ हैज़ लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सीक ए बेटर लाइफ एस्पेशली बेटर इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन द नॉर्थ दिस हैज़ क्रिएटेड इंटरनेशनल पोलिटिकल फ्रिक्शंस इससे वो नॉर्थ साउथ डिवाइड जो पहले से ही मौजूद है वो और ज़्यादा वाइडन हो जाता है डियर स्टूडेंट्स हियर वी शुड नो द डिस्टिंगशन बिटवीन माइग्रेंट्स refugees and internally displaced people according to international law and norms migrants are those people who leave their homes or home countries voluntarily while as refugees are those people who flee from war conditions natural disasters or पॉलिटिकल प्रसिक्यूशन यानी माइग्रेंट्स वो लोग हैं जो ख़ुद एक मुल्क से एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रेफर करते हैं जबकि रेफ्यूजीज़ उन लोगों को कहते हैं जो बाग जाने पे मजबूर हो जाते हैं जगह छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी जगह कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाती है या किसी यंग की प्रॉब्लम में आ जाती है या उन्हें किसी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का सामना होता है तो असल में जो सबसे बड़ा मसला है जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है वो रेफ्यूजी थ्रेट होता है इसी तरह एक और टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल वो लोग जो माइग्रेट तो हो जाते हैं लेकिन अपने ही मुल्क में रहते हैं सिर्फ़ रियासत या रियासत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो जाते हैं जैसे नाइनटीन में कश्मीर वैली से जम्मू माइग्रेट हो गए लेकिन अपने ही मुल्क में रहे लेकिन अपनी ओरिजिनल जगह से डिस्प्लेस हो गए तो ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ज़ुमरे में आते हैं dear students the world refugee map tallies almost perfectly with the world conflict map because wars and armed conflicts in the south have generated millions of refugees seeking safe haven uh, for uh, from 1990 to 1995 70 states were involved in 93 wars which almost killed about 55 lakh people 55 lakh as a result individuals and families and at uh, times whole communities have been forced to migrate because of generalized fear of violence or due to destruction of livelihoods identities and living environments ए लुक एट दरिलेशन बिटवीन वार्स एंड रेफ्यूजी माइग्रेशन शोज़ दैट इन द नाइंटीज ऑल बट थ्री ऑफ द सिक्सटी रेफ्यूजी फ्लोज को इनसाइड विद एन इंटरनल आमड कॉन्फ्लिक्ट अच्छा ये जो आपने फिगर्स देखे सुने ये साफ़ बताते हैं कि मुल्कों से ज़्यादा रेफ्यूजी माइग्रेशन हुआ है फ्लो हुआ है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हैं जहाँ पर जंग ज़्यादा हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम को बेटरली एड्रेस करने के लिए दुनिया को दुनिया की हुकूमतों को मिलकर जंग को एड्रेस करना होगा कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना होगा यानी जंग और कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस जितना कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी उतनी ही कम होती चली जाएगी अच्छा यहाँ पर एक रिलेशनशिप बनता है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के दरमियान क्योंकि जंग जो है वो एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है लेकिन उसी से पैदा होता है माइग्रे ये रेफ्यूजी माइग्रेशन जो एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है डियर स्टूडेंट्स कंटेप्ररी वर्ल्ड में एक और बहुत बड़ी समस्या या एक और बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो माना जाता है वो है ह्यूमन राइट्स वाइलेशंस ह्यूमन राइट्स एब्यूज इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ख़िलाफ़ वर्जियाँ इंसानी हकूक यानी ह्यूमन राइट्स उन कंडीशंस और क्लेम्स को कहते हैं जो इंसान को बहसीती इंसान एक डिग्निफाइड ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं जिन्हें हर तहजीब ने हर सिविलाइज्ड समाज ने मुल्क ने एक्सेप्ट किया हुआ है बल्कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने यू डी एच आर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स भी इस पर जारी किया है जिसमें बहुत सारे राइट्स को एनलिस्ट किया गया है जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट टू इक्वेलिटी राइट टू फ्रीडम फ्राम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड इन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट टू फेयर ट्रायल राइट टू एजाइलम वगैरह वग़ैरह बहुत सारे राइट्स हैं यानी वो सारे सिविल पोलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स जो इंसान को इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं इस दुनिया में उन्हें ह्यूमन राइट्स कहा जाता है लेकिन देखा ये गया है कि इंसानी हकूक़ की आज तक छोटे और बड़े दोनों पैमानों पे बहुत ज़्यादा वाइलेशनस हुई हैं और हो भी रही हैं 1945 के बाद जब जिविश प्रोसिक्यूशन हुआ था नाजी जर्मनी में उसके बाद भी अगर हम देखें 1945 के बाद कंटेम्प्री पीरियड शुरू होता है तो हमारे सामने कई सारी मिसालें हैं विच आर द वर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जैसे कुवैत है जैसे इराक़ है जैसे रुमान्डन जिनोसाइड है जैसे ईस्टर्न यूरोप जब डिसइंटीग्रेट हो रहा था तो वहाँ भी एक जिनोसाइडल सिचुएशन हुई थी जो ईस्ट ताइमोर में हुआ ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वर्स्ट एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं हमारे मौजूदा पीरियड के हैं डर स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो या बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स अगर ये चाहते हैं कि दुनिया वाकई वायलेंस फ्री हो जाए तो उन्हें चाहिए वो इंसानी हकूक़ की हिफाज़त करें और इंसानी हकूक़ का एहतराम करें क्योंकि इंसानी हकूक़ की पामाली एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इसी तरह डिज़ीज़ बीमारी या हेल्थ एपिडेमिक्स भी इस ज़मरे में आते हैं यानी कि डिज़ीज़ भी दुनिया को या दुनिया के किसी बड़े हिस्से को अपने लपेट में ले तो वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है जैसे कि एच आई एड्स जैसे बर्ड फ्लू जैसे सार्स या जो इस वक्त हम झेल रहे हैं सह रहे हैं कोविड नाइन्टीन का पेंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को अपाहज करके रख दिया है पैरालाइज करके रख दिया है तो ऐसे बीमारियां जो है वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है बाई uh, 2003 थाउजेंड थ्री एंड एस्टीमेट फोर करोड़ पीपल वायर इन्फेक्ट विद एच एड्स वर्ल्ड वाइड टू थर्ड्स ऑफ देम इन अफ्रीका एंड हाफ ऑफ द रेस्ट इन साउथ एशिया यानी अगर पेंडेमिक या एपिडेमिक से पूरी दुनिया तो मुतािर हो जाती है लेकिन जो वेल ऑफ इंडस्ट्रियलाइज़ड नेशंस हैं क्योंकि उनका हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा होता है और वो फिर उस डिज़ीज़ पे या तो कंट्रोल पाते हैं या वहाँ मोटेलिटी रेट ज़्यादा नहीं रहती है तो यहाँ भी वही गरीब देश एशिया के अफ्रीका के लेटिन अमेरिका के क्योंकि उनका हेल्थ केयर सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो इन डिज़ीज़ के सॉफ़्ट टारगेट्स बन जाते हैं वहाँ लाखों करोड़ों में लोग मर जाते हैं तो ज़रूरत इस बात की है क्योंकि इस वक्त हम साइंस और टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही तरक्की याफ्ता दौर से गुज़र रहे हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने साइंसी रिसर्च को ज़्यादातर मरकूज़ करें सेंट्रलाइज़ करें दवायाँ बनाने में वैक्सीन्स बनाने में डिज़ीज़ को आ, कम और ख़त्म करने में न कि हथियार बनाने में क्योंकि हथियार इंसानों को मारते हैं और दवाइयाँ इंसानों को बचाती हैं और इसमें यह भी ज़रूरी है कि हमारी वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ, सर्विस पॉइंट ऑफ़ व्यू से काम करे सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से दवाइयाँ बनाए न कि प्रॉफ़िट पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह एक और ग्लोबल थ्रेट जो इस वक्त बना हुआ है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे एनवायरमेंट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेतहाशा पोल्यूट हो रहे हैं हमारे हाथों समंदर हों जंगलात हों ज़मीन हो हवा हो यहाँ तक कि ओज़ोन लेयर अब डिप्लीट हो रहा है हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हम ग्लोबल वार्मिंग में आ गए हैं तो पूरी तरह हमारा जो इकोसिस्टम है वो इस वक्त बहुत बड़ी क्राइसिस का शिकार है बल्कि जैसे जीनोसाइड की टर्म इस्तेमाल होती है वैसे ही अब इकोसाइड की टर्म इस्तेमाल होती है यानी हम एक तरह से अपने एनवायरनमेंट को कत्ल करने की हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारा पूरा इकोसिस्टम इस वक्त पोल्यूट हो चुका है तो जाहिर सी बात है हम ख़ुद इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं जब हमारा एनवायरनमेंट ही ख़राब हो जाए तो इंसानी ज़िंदगी का इंसानी बका का इंसानी एग्जिस्टेंस का ख़तरे में आ जाना क्राइसिस में आ जाना नेचुरल है डियर स्टूडेंट्स पूरी दुनिया इस थ्रेट से अवेयर है जानती है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना बड़ा ख़तरा है और हर पैमाने पे इस पे बातें भी हो रही हैं लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फिर दुनिया की हुकूमतें और इंसान बहसी इंडिविजुअल यानी कि हर पैमाने पे टेंजिबल स्टेप्स उठाए जाएं ताकि एनवायरनमेंट को और ज़्यादा ख़राब और ज़्यादा पोल्यूट होने से रोका जाए और इंसानी ज़िंदगी को बचाया जाए तो ये थी थोड़ी सी तफसील नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में उम्मीद है कि ये क्लिप आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी इंशाल्लाह मिलते हैं नए क्लिप में नए क्लास में नए टॉपिक के साथ खुदा हाफिज